नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मानसून की पहली ही बारिश ने ही समस्तीपुर नगर निगम की मानसून के आगमन के पूर्व की तैयारी की पोल खोल कर रख दी है। मानसून की इस पहली बारिश में जिला मुख्यालय का कोई भी ऐसा सड़क व मोहल्ला नहीं बचा है जहां जल जमाव ना हुआ हो। मानसून की पहली बारिश में ही जिला मुख्यालय की ज्यादातर सड़कें व मोहल्ला जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के आसपास के मोहल्लों में काशीपुर, बारह पत्थर, गायत्री कॉम्प्लेक्स, विवेक विहार, आजाद नगर, आदर्श नगर, सोनवर्षा चौक रोड, डीटीओ कार्यालय रोड, पुरानी महिला कॉलेज रोड सहित पूरा बाजार क्षेत्र घंटों जलमग्न बना रहता है, जिसके कारण राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई स्थानों पर नाले का स्लैब टूटे रहने के कारण बारिश के पानी से भर चुके नाला में गिरने से कई राहगीरों एवं वाहन चालकों के घायल होने की भी सूचना मिली है। मानसून पूर्व नगर निगम की इस आधी अधूरी तैयारी पर भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि नाला उड़ाही के नाम पर नगर निगम में करोड़ों रुपए का बंदरबांट हो गया है, लेकिन सही ढंग से नाला का उड़ाही तक नहीं किया गया, जिसके कारण जिला मुख्यालय के सभी गली मोहल्लों के सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। जबकि उन्होंने खुद नगर आयुक्त से मुलाकात करने के दौरान आवेदन देकर टूटे स्लैब को बदलने व नाले का उड़ाही करने की मांग किए थे, लेकिन नगर निगम ने स्लैब लगाने व नाले की सफाई करने के नाम पर केवल खाना आपूर्ति किया है। श्री सिंह ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि अविलंब टूटे हुए स्लैब को बदला जाए तथा नाले की उड़ाही शुरू की जाए, साथ ही नाला उड़ाही के नाम पर करोड़ों की राशि बंदरबांट करने के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भाकपा माले नगर निगम के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रविवार के वर्षा के बाद एक बार फिर समस्तीपुर सर्किट हाउस से लेकर के और पूरे मोहनपुर रोड में भीषण जल जमाव का दृश्य है। नाला पर कई जगह पर स्लैब टूटा हुआ है, कई जगह नाला डैमेज है, जिसके कारण लगातार राहगीर वाहन सड़क पर फंसते जा रहे हैं। कई राहगीर स्लैब टूटा हुआ नाला में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। ये दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर राहगीरों को एवं वाहन को चलाने में, पास कराने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली ही बारिश में समस्तीपुर का हाल बेहाल बना हुआ है, जबकि नगर निगम के द्वारा नाला उड़ाही पर करोड़ों करोड़ रुपया का खर्च राशि दिखाया गया है, लेकिन नाला उड़ाही के नाम पर सब जगह पर खानापूर्ति किया गया है। भाकपा माले फिर से नगर निगम जिलाधिकारी से मांग कर रही है कि नाला उड़ाही में करोड़ों रुपए के बंदरबांट की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई हो एवं युद्ध स्तर पर नाला पर जो टूटा हुआ स्लैब है, नाला उड़ाही का काम है, इसको पूरा किया जाए।